I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. खा ले और जल्दी से तैयार हो जा. क्यों माँ? मिशा जा रहे अपनी बेटी को लेके तुझे देखने. माँ ये कौन सी नई मुसीबत है यार? वो तो ठीक है लेकिन जो मुसीबत तू लेके आए वो कहाँ है? जेनी ना रही है. उरे पापा, तुम्हारे पापा भी जा रहे नहाने. मोगो, कहाँ जा रहे हो? नहाने जा रहा हूँ. ऐसी भी क्या जल्दी है, रुक जाओ ना. क्या हो गया तुम्हें शारदा? मिश्रा जी आते ही होंगे और तुम जानती हो मैं कभी लेट नहीं होता. आज हो जाओ ना, मेरी आंखों में देखो ना शारदा. जेनी, कितने साल हो गए सुने तुम्हारा गाना, गाओ ना. क्या शारदा तुम भी गाओ ना. कौन सा वाला गाना? वही ताथिया ताथिया हो. अरे गोरी तेरे अंग अंग में रंग रूप के भरे हुए हैं कल से. ये कौन फकीर गा रहा है माँ? छह रेडियो बंद कर दे. प्रेम प्रेम आ गया? प्रेम कब आया? अभी अभी आया है. जाके नहाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए. जल्दी करो जेनी. क्या जल्दी जल्दी कर रहे हो शारदा? ओह माय गॉड, तुम्हारी जल्दी जल्दी में जो टॉप मुझे पहनना था वो तो बाथरूम में ही रह गया. ये क्या है? ये तो किसी लड़की का है. तुम ये सब भी पहनने लगी? छी, ये मेरा नहीं है. ये कहाँ से लेके आया आप? मैं क्यों लाऊंगा इसे? तो मैं क्यों लाऊंगी इसे? भाई बाथरूम से मिला तो किसी ना किसी का तो होगा. ये तो किसी लड़की का. माँ, माँ तूने मेरा टॉप देखा है? पता नहीं कहाँ खो गया. ये रहा मेरा टॉप, आप क्या करेंगे? लाइए. ये तू पहनता है? हाँ, लेटेस्ट फैशन है. आपको पसंद है? आपके लिए भी ले आऊंगा दो. नहीं, अच्छा माँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ. बहुत बड़ी इंटरव्यू है आज, मुझे आशीर्वाद दो. तू ये पहन के बाहर भी जाएगा? हाँ, अगर बाहर नहीं गया तो आपके लिए कैसे लाऊंगा दो. अच्छा मैं चलता हूँ. तू ऐसे ही बाहर गया तो मेरी नाक कट जाएगी. शर्मा जी कट गई. नमस्ते. नमस्ते मिश्रा जी. हाय. ये क्या पहन रखा भाई इसने? अच्छा आपको भी पसंद आया? मैं पापा के लिए दो ला रहा हूँ, आपके लिए भी ले आऊंगा दो. क्या? What a cool top. एक मेरे लिए भी please. Of course. चुप. ये टॉप अपने बाप को पहनाना. ये भी ओके है. और शंकर, इसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराओ, समझे? चलो जी, हम तो लड़का देखने आए थे. बाय. हसो और हसो. I'm sorry. तुम्हें बहुत ट्रबल दे रही हूँ. हाँ वो तो दे रही हो, पर इस हंसी के लिए कोई भी ट्रबल, नो वरी. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. क्या घर है राहुल का, ये तो महल है महल. जेनी इस महल में बहुत खुश रहेगी राजू. वो क्रिश्चियन छोकरी पीताम्बर जालान के घर की बहू कभी नहीं बन सका. ये तो देवी माँ की कृपा है कि भैरव सिंह ने इसे स्टेशन पर देख लिया और जबरदस्ती उठाकर यहां ले आया, वरना मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता. सर जी ये तो अच्छा हो गया, और ये होना था क्योंकि आपके कुंडली में आपका बुध अपने घर आए हैं. बुध घर आया है तो कुछ देख के जाएगा, मगर ये बुद्धू घर का सब लेख के जाएगा. ये मुसीबत भी अभी आने थी जब इलेक्शन सर पर है, बस अब ये वापस कनाडा जाएगा. दिस अनफेयर डैड. भैरव सिंह हुकुम. लिहाज मत करना कि ये मेरा बेटा है. राजपूत हूँ हुकुम, वचन देता हूँ परसों क्लब हाउस का फंक्शन खत्म होने के बाद मैं खुद इसे लेकर कनाडा उड़ जाऊंगा, और जब तक इसके दिमाग से जेनी का भूत नहीं उतर जाता ये इंडिया में नहीं उतरेगा. शी इज अ ग्रेट गर्ल, मैं इसे बहुत चाहता हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. और भैरव सिंह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है. क्यों भैरव सिंह? हुकुम आपके एक इशारे पर ये चीज क्या है, इसके बाप की गर्दन उड़ा दूं. नारायण. ए क्या बोला? ये रिंग टोन चेंज करो, चेंज करो. करो मैं सर. हेलो, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर पीताम्बर जलान का प्रेजेंट सेक्रेटरी शेषाद्री बोल रहा हूँ. पीताम्बर को फोन दे. नारायण सर जी आपका फोन है. हेलो, मैं साजिद डॉन बोल रहा हूँ.
मेरा फोन अवॉइड करते हो? नहीं नहीं डॉन भाई, ऐसी बात नहीं है, दरअसल जरा इलेक्शन में बिजी था। खबरदार पीताम्बर। मेरे एक इशारे पर गोलियों की बौछार करने को तैयार रहते हैं मेरे शार्प शूटर्स। 10 खोखा कब भेज रहे हो? पैसा नहीं है डॉन भाई, चंदा लेके तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो चंदा लेकर मुझे भी 10 खोखा भेज जल्दी। हेलो हेलो हेलो, मेरा फोन काट दिया पीताम्बर ने। दोबारा लगा, गला काट दूंगा। साजिद डॉन का फोन काटता है। डॉन बॉस, पीताम्बर जी ने फोन काटा नहीं, आपका फोन कट गया है, आपका बैलेंस खत्म हो गया है। नलायको, मैं बॉस हूं तुम्हारा, कम से कम मेरा फोन तो टाइम टू टाइम रिचार्ज किया करो। यस सर। गधे हैं सब, बिना गोली की पिस्तौल दिखाते रहते हैं, ना तो पैसा है ना गोलियां हैं। नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते। अरे कौन हो तुम लोग? सर हम राहुल से मिलने आए हैं। राहुल से तुम्हारा क्या लेना देना? हम जेनी के दोस्त हैं, राहुल और जेनी एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए। खबरदार, जो छोरी का नाम भी इस घर में लिया तो शाम होने से पहले उस छोरी को लेके इस शहर से बाहर निकल जाओ। फिर कभी उस छोरी का नाम भी सुनाई दिया ना तो ना वो दिखेगी और ना तुम दिखोगे। नाउ गेट आउट। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? जेनी कहाँ है? जेनी? कौन जेनी? यहाँ कोई जेनी वेनी नहीं। अरे जेनी हमारी बेटी, जिसको तुम्हारा बेटा प्रेम भगा लाया है गोवा से। गोवा से? गोवा से? हाँ गोवा से। मेरा बेटा कभी गोवा गया ही नहीं और हमने कभी जेनी का नाम सुना ही नहीं, क्यों शारदा? हाँ घर में तो अब सिर्फ हम दोनों ही है, यहाँ कोई जेनी वेनी नहीं है। हम घर की तलाशी लेंगे। मैंने कह दिया ना यहाँ कोई जेनी वेनी नहीं है। तलाशी तो लेनी होगी। कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। देखा बच्ची भी कह रही है कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जेनी। 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 इस गुंडे ने हमारा वेडिंग स्पॉइल किया। अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। अरेस्ट नहीं करेगा तो क्या मैं छोड़ दूंगी? करके तो देखे, हाथ तोड़ दूंगी। ए, नो मारा मारी, नो मारा मारी, झगड़ा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। आप बताइए सच क्या है? सर, इन लोगों ने मुझे पाला है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और ये मुझे टोनी से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। आप किसी और से प्यार करती हैं? डोंट वरी, शी डजंट। यस। कौन है वो जिसे आप प्यार करती हैं? प्रेम। देखा, ये अपने लिए लड़की को भगा के लाया है। प्रेम, तुमने मुझसे झूठ बोला? देखे रेडी, दे लवर्स। मुझे सच सच बता, कुछ करता है ये? क्या हो रहा है? फिर तो तुम शाउट क्यों नहीं करता है? तुम भी शाउट करो। अरे शाउट करने लायक छोड़ा ही क्या तुम्हारे बेटे ने? शांत शांत शांत, चुप क्यों नहीं रहते आप लोग? ए, तुम बताओ सच क्या है वरना मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। बोलो प्रेम, तुम मुझे कितना चाहते हो बताओ सबको। मैं क्या कहूँ, कितना चाहता हूँ? बस यही कि जेनी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जेनी सब कुछ है मेरे लिए, मेरी खुशी, मेरी लाइफ। बस ओवर एक्टिंग कर रहे हो। इंस्पेक्टर सर, सुन लिया आपने? झूठ झूठ बोल रहा है ये दोनों। आप तो इंटेलिजेंट है इंस्पेक्टर, आप टोनी और जेनी का शादी करा दीजिए, गॉड आपको ब्लेस करेगा। शट अप, मैं इंस्पेक्टर हूं कोई पादरी नहीं, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए।
चलो चलो। सॉरी प्रेम, राहुल का नाम नहीं ले सकती थी, यू नो व्हाई, इसलिए। कोई बात नहीं जेनी। तू जेनी से बात क्यों नहीं करता? क्या माँ? कि तू उससे कितना प्यार करता है। अरे नहीं, मैं कहाँ जेनी से प्यार करता हूँ, वो तो इंस्पेक्टर के सामने थोड़ी एक्टिंग कर रहा था, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग होगी। चुप कर, माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। जेनी अच्छी लड़की है, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं उसे बात करती हूँ। अरे नहीं माँ, जेनी राहुल को चाहती है, वो बहुत बड़े घर का लड़का है, और तो और वो उसे ऐसी गाड़ी दे रहा है, वो क्या कहते हैं, फरारी। फरारी? हाँ वही। देखा माँ, जिस गाड़ी का नाम मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा, वो ऐसी गाड़ी उसे गिफ्ट कर रहा है। जेनी राज करेगी माँ, आओ हम प्लेट धोते। मुझे उससे बात तो करने दो। अरे माँ, तू क्यों उस पर इमोशनल अत्याचार करने पे तुली है? जेनी मुझे दोस्त समझती है, अब हमारी दोस्ती पे तो आग मत लगा। जेनी राहुल के साथ बहुत खुश है, और वो खुश तो मैं खुश। तू सचमुच खुश है? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। जल्द से जल्द पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैं इस पीताम्बर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। ये पीताम्बर का बच्चा? अच्छा, हम पीताम्बर के लड़के राहुल को उठाएंगे। वाह। कल इसी क्लब हाउस में राहुल का बर्थडे फंक्शन है। यही मौका है दोस्तों। हमारा ड्रेस होगा ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट। ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक बो। करेक्ट। और सबके चेहरे पर होगी फ्रेंच बियर्ड। और फ्रेंच बियर्ड के साथ एक काला मस्सा इधर। राइट। इससे हमारा गैंग एकदम अलग लगेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और हम धीरे धीरे राहुल को घेरेंगे और मौका पाते ही उसे उठा लेंगे। एनी डाउट? नो सर। और जेनी को तो मैं ऐसे बदल दूंगा कि वो स्टाइल क्वीन कटरीना कैफ लगेगी। टच मी। लेट्स गो। जेनी राहुल। क्या क्या कहा? मारा बेटा। अरे भगवान, मां तमशुरु मत कर, कुछ नहीं हुआ थारे बेटे को, सिर्फ हाथ की नस काट ली है जैसे हमारी नाक काटती है। हाँ बोलो, कहाँ आना है? हाँ, पुलिस को खबर नहीं करेंगे। अरे भाई, आ रहे हैं हम, उसका ख्याल रखना। आइए, बड़ी देर कर दी आपने। कहाँ है मेरा लाल? ये रहा लाल। इस लाल खून के साथ साथ चलते जाइए, आप अपने लाल तक पहुँच जाएंगे। मेरा लाल। नमस्कार जी, डॉक्टर को बुलाया था, इतना सारा खून देके बेहोश हो गया बेचारा, वो पड़ा है देखो। नारायणा, तू? हाँ मैं। तूने उठाया राहुल को क्लब से? हाँ, लेकिन उसकी हेल्प करने, मुझे क्या पता था कि अपनी नस काट लेगा, इसलिए मैंने आपको फोन किया ताकि आप उसकी हेल्प कर सके। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं चला। कटे नहीं जा बेटा, कटे नहीं जा। तेरा बाप कबीरा है हम सब जानते हैं, लेकिन माँ की बात तो मान जा। नहीं, मैं जेनी से बहुत प्यार करता हूँ, जेनी मेरी जान है, शी इज माई लाइफ, वो मेरी सब कुछ है। क्या कर रहे हो जेनी, इतना खून बॉडी में नहीं होता है। लेकिन बकेट में तो है। जेनी के बिना मैं जी नहीं सकता। अगर इतना खून बहेगा बेटा तो जेनी के साथ भी नहीं जी पाएगा। कहा तो था मैंने कि तेरी शादी करा देंगे। डैडी के ब्लेसिंग के बिना हम शादी नहीं करेंगे। सुन ली थारी। अरे तुम लोग की थारी मारी में बेटा मारा जाएगा। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.